हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और ऑनलाइन स्टडीज़ को भी इजीली समझ पा रहे होंगे और अपने स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो के स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम चैप्टर 3 करेंगे जो कि है पॉप्सिकल स्टिक्स शेप्स। हमें क्या करना है, कुछ स्टिक्स की हेल्प से शेप्स बनानी है। जैसे कि शेप्स आपने मैथ्स में भी रीड किया हुआ है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर आपने रीड्स कर रखे हैं ना ये सारे। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, आर्ट में भी इन शेप्स को बनाकर देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं थिंग्स यू नीड, क्या हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि 13 पॉप्सिकल स्टिक्स, हमें कुछ स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये रही हमारी स्टिक्स, ग्लू, ये रही ग्लू, एंड क्रियोन्स या ऑयल पेस्टल जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये रहे हमारे क्रियोन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है और बहुत मज़ेदार भी है, आपको अच्छा लगेगा ये करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो स्टिक्स हैं इस स्टिक्स पे हमें क्रियोन करना है। कोई भी जो आपका फेवरेट कलर है आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पे कलर करेंगे, सभी स्टूडेंट्स कलर करेंगे इस तरह से, इस पे इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी स्टिक्स हैं उन स्टिक्स को ज्वाइन करके शेप बनानी है। तो देखिए किस तरह से ज्वाइन करेंगे हम, ये देखिए आपको इनमें कलर करना है और इस तरह से यहाँ पे ग्लू लगा के हमें यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो ये कौन से शेप हो गए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल। इसी तरह से हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये कौन सी शेप है, स्क्वायर। इसी तरह से अब हम रेक्टेंगल किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम इस स्टिक को हटाएंगे। आपको पता है रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बड़ी होती है। ये देखिए इस तरह से हम इसको दो स्टिक को ज्वाइन करेंगे एंड इसके बाद हम इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी कौन सी शेप बन गई स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल। सो ओके, आपको भी यही करना है। सबसे पहले आप स्टिक्स पे कलर करेंगे, कोई भी कलर जो आपको पसंद है। इसके बाद आप अपनी इस तरह से स्टिक्स को पेस्ट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका वर्क यही है, चैप्टर 3 करना है आपको। सो ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।